हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। कुवैत की वैकेंसी लाएँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे सारी डिटेल्स मौजूद है। ये वैकेंसी आर के इंटरनेशनल ऑफिस से न्यू दिल्ली में इनके पास है। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जब भी नई वीडियो अपलोड हो वैकेंसी की तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत टाइम पर मिल जाए, ठीक है। ये वैकेंसी कुवैत की मल्टीनेशनल कंपनी का काम है, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनी है कुवैत की, इसका काम है। आर के इंटरनेशनल ऑफिस न्यू दिल्ली में इनके पास है। ऑफिस का एड्रेस भी आपको बताएंगे, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर भी यहाँ पर है, ईमेल आईडी भी मौजूद है, ठीक है। रिक्वायर्ड फॉर ए लीडिंग एमएनसी कंपनी इन कुवैत। इंटरव्यू डेट देख सकते हैं, दो यहाँ पे दो जगह पे इंटरव्यू होगा, दो लोकेशन यहाँ पर है। 17 फरवरी को गोपालगंज में इंटरव्यू होगा और 18 फरवरी को पटना में इंटरव्यू होगा, पटना में। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे पोजीशन बताने से पहले आपको ऑफिस के यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है, ठीक है, एड्रेस यहाँ पर है, उसको बताते चलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कि ऑफिस के यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर मौजूद है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिस्टर श्रीवास, तो यहाँ पे दिया हुआ इनका नंबर, यहाँ पे मिस्टर ठाकुर का है, मिस्टर फिरोज का है, यहाँ पर है सुभाष का भी, यहाँ पर सुभाष जो है, मिस्टर सुभाष हैं, इनका भी यहाँ पर यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर मौजूद है। और यहाँ पे देखते हैं, प्लीज़ सेंड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ऑन व्हाट्सअप, यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी मौजूद है आर के इंटरनेशनल, यहाँ इनके पास ये वैकेंसी है, ठीक है। और तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आर के इंटरनेशनल ऑफिस का यहाँ पे एड्रेस भी मौजूद है, 6th फ्लोर हेमकुंड टावर, राजेंद्र पैलेस, न्यू दिल्ली, ठीक है। ये ऑफिस का एड्रेस यहाँ है, ठीक है। और यहाँ पे वेबसाइट भी मौजूद है आर के इंटरनेशनल ऑफिस का, ठीक है। अब यहाँ पे पोजीशन की बात करें तो पोजीशन देख सकते हैं यहाँ पे, HVAC जो होता है इसका यहाँ पे दिया हुआ है कि मैकेनिकल फोरमैन AC चाहिए, 6 लोग चाहिए, 8 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस 8 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि 6 लोग चाहिए मैकेनिकल फोरमैन AC, 6 लोग चाहिए, 8+ ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे 150 KD से 200 KD आपको सैलरी मिलेगा। टेक्नीशियन AC चाहिए 25 लोग, 8+ ईयर एक्सपीरियंस, 110 से 140 KD आपको सैलरी मिलेगा। टेक्नीशियन ऑपरेटर AC चाहिए, 4 लोग चाहिए, इसमें भी सेम एक्सपीरियंस है, 120 से 140 KD आपको सैलरी मिलेगा। BAS बस ऑपरेटर चाहिए, 4 लोग, इसमें भी सेम एक्सपीरियंस है, 110 KD से 140 KD आपको सैलरी मिलेगा। टेक्नीशियन कंट्रोल AC चाहिए, 6 लोग, इसमें भी सेम एक्सपीरियंस है, मुमकिन सारे में सेम एक्सपीरियंस है, 8+ ईयर एक्सपीरियंस है, 140 KD से 170 KG आपको 170 KD आपको सैलरी मिलेगा। BAS टेक्नीशियन चाहिए, 5 लोग, 8+ इसमें भी एक्सपीरियंस है ऐसे, ठीक है। और मैकेनिकल का यहाँ पे देखो, मैकेनिकल फॉर मैन चाहिए, 5 लोग, इसमें भी 150 KD से 180 KD आपको सैलरी मिलेगा। प्लम्बिंग फॉर मैन चाहिए, 6 लोग, इसमें भी 130 KD से 160 KD तक सैलरी आपको मिलेगा। मैकेनिक डीजल, इसमें भी 5 लोग चाहिए, इसमें 110 KD से 130 KD आपको सैलरी मिलेगा। मैकेनिक पंप चाहिए 6 लोग, इसमें भी 110 KD से 130 KD सैलरी आपको मिलेगा। प्लम्बर चाहिए, 20 लोग चाहिए, इसमें 90 KD से 110 KD आपको सैलरी मिलेगा। स्विमिंग पूल ऑपरेटर चाहिए, 4 लोग, इसमें 110 KD से 130 KD सैलरी मिलेगा। ऑपरेटर मैकेनिक चाहिए, 10 लोग, इसमें 90 KD से 120 KD आपको सैलरी मिलेगा। मैकेनिक टेक्नीशियन चाहिए, 5 लोग, इसमें भी 90 KD से 120 KD आपको सैलरी मिलेगा। पाइपिंग स्टील वेल्डर चाहिए, 4 लोग, इसमें भी 110 KD से 130 KD आपको सैलरी मिलेगा। असिस्टेंट्स स्टील वेल्डर चाहिए, 4 लोग,
इसमें आपको 90 KD आपको सैलरी मिलेगा। अकोमेंडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडेड बाय द कंपनी, ठीक है, ये सारी कंपनी प्रोवाइड करेगी और जो भी कुवैत के लेबर लॉ के हिसाब से होगा आपको बेनिफिट दिया जाएगा। तो फॉर सीनियर कैटेगरीज ओनली यहाँ पे दिया है, फॉर वर्कर ओनली, ठीक है। तो सेंड कंप्लीट CV एंड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स और रिज्यूम rk@gmail.com इस पर जो ईमेल आईडी है ये, इस पर अपना सारा डॉक्यूमेंट्स सेंड करें, जो भी आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, एजुकेशन सर्टिफिकेट है, CV है, रिज्यूम है विद पोजीशन, ठीक है, लगा के वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स मेल करें, ऑफिस जाएं, ठीक है। और ये जिस जो आपके, ठीक है, घर से जो भी लोकेशन आपको करीब पड़ता है, गोपालगंज या पटना, तो दो जगह इंटरव्यू है, गोपालगंज में भी है, पटना में है। पटना में 18 फरवरी को इंटरव्यू है, गोपालगंज में 17 को इंटरव्यू है, ठीक है। तो विद पोजीशन आप मैसेज करें, उसके बाद जाके आप इंटरव्यू दें। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।